कानपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक पेशे से सुनार है, जिसने बेडरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवक के एक बार फांसी लगाने पर जान चली गई। दोबारा युवक ने फांसी लगाई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं युवक के फांसी लगाने के पीछे का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। थाना कलेक्टरगंज क्षेत्र में बिनाना रोड में पुलिस को एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ज्ञात हुआ आनंद सिंह उर्फ शेर सिंह सन ऑफ दीपक सिंह ने अपने बेडरूम में दुपट्टे के माध्यम से पंखे से आत्महत्या कर ली है। सीसीटीवी एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भरकर बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति है। आज समाजवादी पार्टी के नेता दिनेश सिंह ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात सपा की धन्यवाद यात्रा से संबंधित थी, जिस यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही थी। कुछ नहीं, बस हम लोगों का एक जो है धन्यवाद यात्रा निकलेगी पूरे प्रदेश में, क्योंकि जनता ने गठबंधन को अभूतपूर्व सम्मान दिया है, समर्थन दिया है, तो कार्यकर्ताओं और उन जनता के बीच जाना है जहां से हमें सम्मान मिला है, जनता को भी उसका धन्यवाद यात्रा। मऊ में गर्मी के दिनों में ज्यादा बिजली की खपत के कारण बढ़ते लोड को देखते हुए जिले के बिजली विभाग ने मोहल्ले में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसके बाद बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लोड की चेकिंग कर उन्हें अवैध कनेक्शन की नोटिस थमा दी है, जिससे बिजली विभाग ने अवैध धारकों को स्पष्टीकरण करने का आदेश जारी किया है। स्थानीय जी को लेकर के विजिलेंस टीम आज यहाँ चेक कर रही है मोहल्ले में। जी जी, कितने घरों को चेक किया गया है? अभी 2-3 घरों को चेक किया गया है और सबको कागज लेकर के बुलाया गया है, जो अपना अपना कागज जो है ज्यादा मौके दिखा नहीं पाए हैं। जी जी, उनका कागज देख करके जो है कार्रवाई की है। मिर्जापुर के मंडलीय चिकित्सालय में भारी बिजली कटौती हो रही है, जिसके कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अस्पताल प्रशासन बिजली कटौती पर चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में तीमारदार अपने मरीजों की सेवा करने में असुविधा का सामना कर रहे हैं। ना कुछ ना दिक्कत है, लाइट है, कब से लाइट कटा है? ओगी मुगी कह रहे हैं कि पूरे गांव में 24 घंटा लाइन दे रहे हैं, जब मुख्यालय पर लाइन नहीं दे रहे हैं, अस्पताल में लाइन नहीं दे रहे हैं। 5 घंटा लाइन कटी थी रात में, हाँ आज भी कटी है। मौके पर देख लीजिए तो जनरेटर नहीं चल रहा है, कुछ नहीं, कोई जनरेटर है ही नहीं रहा।